हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ गाइस। तो आ जाइए, आज चल रही हूँ मैं वैष्णो माता, तो आप लोग को भी ले चल के दर्शन कराती हूँ वैष्णो माता के। तो आप लोग बने रहिएगा दर्शन करना है तो। ये है दिल्ली का स्टेशन सराय रोहिल्ला का, जहाँ से हमने पकड़ी ट्रेन। और जो ट्रेन थी वो हमारी पहले से बुकिंग थी, एक महीने पहले से ही। तो हमने यहाँ से पकड़ी ट्रेन और अभी ट्रेन मतलब लगी हुई है कि उसकी यहीं से बन के चलती है, इसीलिए हम बाहर बैठे हुए थे। जब तक कि खुलेगी तब उसके बाद बैठेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था पापा और हम सब के बीच में। छुट्टियां पड़ी हुई थी राधिका के पापा की, तो हमने सोचा चलो प्लानिंग करते हैं भाई, कहीं घूम के आते हैं। तो वैष्णो माता का प्लानिंग किया, अचानक से सडनली बन गया कि चलो घूम के आते हैं यार, कहीं तो घूमें। बस यहाँ से हम बैठ गए थे ट्रेन में और हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, चालू हो गई थी। तो छोटी छोटी क्लिप है, देख डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और हम लोग वैष्णो माता तो चले गए, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी। बारिश के समय में मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ना जाएँ वहाँ पर, बारिश के टाइम में वैष्णो माता जाने में मतलब ख़तरा ही है पहाड़ों में वैसे तो। क्योंकि हम जब भी जा रहे थे ना, थोड़ी दूर चलते थे तुरंत बारिश, थोड़ी दूर चलते थे तुरंत बारिश, ऐसे होता था। और पहाड़ों की बारिश तो मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतना ओवरफ्लो होता है कि अगर हम रोड पर चलेंगे ना तो ओवरफ्लो की वजह से हम वहाँ से फिसल भी सकते हैं, बह भी सकते हैं। मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वहाँ के चलने के रास्ते भी ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई नदी बह रही हो, मतलब इस तरह की बारिश थी। अगर शायद उस तरह की बारिश अपने दिल्ली में हो जाए तो दिल्ली वाले डूब जाएंगे। एक दूध भी लेना जाना होगा ना जब दिल्ली वालों को, तो फिर तैर के जाया करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पे सफ़र करके पहुँच गए थे जम्मू तवी स्टेशन पे, हम जम्मू स्टेशन में पहुँच गए थे। और यहाँ उतरने के बाद मम्मी चश्मे के लिए पूछ रही थी, मैंने कहा वो तो ट्रेन में ही रह गया, तो चौंक गई बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, थोड़ी सी फ़ोटो खींची। और फिर यहाँ उतरने के बाद इन लोगों ने पी चाय, चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए, बस पकड़े। हमने जानबूझ के ही जम्मू से किया था, थोड़ा सा व्यू वगैरह देखने की वजह से कि थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने जम्मू तक ही की थी। हमारी जो ट्रेन थी वो जम्मू तक ही थी, यहाँ से फिर हमने बस पकड़ी थी और बस से गए थे हम कटरा के लिए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का थोड़ा सा स्टेशन का, मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो ली है। और ये देखिए अब हम बैठ गए हैं बस में और बस में चलेंगे, सफ़र करेंगे कटरा तक का। और यहाँ से बस का किराया जो होता है, जम्मू से आप कटरा जाएंगे तो 100 रुपये पर पर्सन किराया होता है, 100 रुपीज़ लगते हैं एक 1 पर्सन का। और किसी भी बस में बैठ जाओ, अगर गवर्नमेंट में बैठेंगे आप सरकारी बस में जैसे रोडवेज में, तो उसमें आपको 10-20 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 20 रुपये का फ़र्क होता है। बाकी हमने जो प्राइवेट बस में बैठे थे तो इसमें 100 रुपये है। और ये हम यहाँ से सफ़र करके पहुँचेंगे कटरा। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी व्यू की मैंने फ़ोटो ली है, बहुत वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा व्यू था।